जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम आपसे 2-3 मिनट बात करेंगे, प्लीज़ आपके पास अगर टाइम हो तो रुक के ज़रूर देख लेना ये मेरी वीडियो। क्या दोस्त दारू पीना, सिगरेट पीना, अफीम, चरस, गांजा, जो भी है, आप जो भी करते हो, जब इसे पीते हो तो आप जय भोलेनाथ का नारा लगाते हो, भोलेनाथ को उल्टा घुसेड़ देते हो उसमें। आखिर में है क्या तुम्हारी परेशानी कि खुद पीते हो तो 4 लोग को और पिलाते हो और प्लस भगवान को भी उसी में एडजस्ट करके तब पीते हो, तब मजा लेते हो चेस, जय भोलेनाथ की, तब तुम्हारी चेस लगती है। दोस्त आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि हम कहते हैं कि जिस भोलेनाथ का नाम लेके आप लोग गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट जो भी आप करते हो बहुत गलत करते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी नहीं देखा भोलेनाथ को, ना किसी वेद में ना किसी शास्त्र में लिखा गया है कि भोलेनाथ इतने बड़े गजेड़ी थे, लेकिन आप लोगों ने बना दिया, क्योंकि ये समाज है, इन्होंने उनके ऊपर गाना बना दिया कि गौरा भांग पीसेगी, उसके ऊपर गाना बना दिया, उसका कुछ स्ट्रक्चर बना दिया भोलेनाथ जी का कि हाँ वो भांग पीते हुए इस आकार में, कि हाँ वो ये करते हैं तो हम भी करेंगे। तो भगवान ही बनना चाहते हो तुम, हो इंसान, भगवान बनना चाहते हो, वो भी गलत चीज में। भगवान की बात करें दोस्त, आपको कड़वी मेरी बातें लग रही होंगी, बहुत सही है, लगनी चाहिए। अगर भगवान की संघर्ष की बात करें, ले लो भोलेनाथ को ही, भोलेनाथ जब पूरे विश्व में कोई नहीं पीने वाला था जहर, कोई नहीं पीने वाला था जहर, तो भगवान ने ही अपने कंठ में उस जहर को पी के रखा और माथे पे अपने सर पे गंगा जी को विराजमान किए हैं। एक छोटा सा बर्फ का पत्थर ले लो, यहीं पे रख लो 1 घंटे के लिए, बन जाओगे जितना भगवान का मतलब वो करते हो ना दारू पीने में, जो चीज़ गंदी है उसे फॉलो करने में, 1 घंटा यहाँ रख लो बर्फ का पत्थर, भाई साहब पता चल जाएगा तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है भगवान। उसके बाद आ जाओ कृष्ण भगवान पे, कृष्ण भगवान को तुम लोग क्यों लपेटते हो इतना कि उनकी बहुत सारी गोपियाँ थी, वो ये करते थे, वो रास रचाते थे, वो क्या करते थे, तुम्हें क्या पता है? कुछ पता है वेद, महाभारत, गीता, कुछ कभी उठा के ढंग से पढ़े हो उसे? नहीं पढ़े हो दोस्त, तो कम से कम उनकी गलत भावनाओं पे तो मत जाओ, गलत उनको सोच के कुछ गलत तो मत करो यार दोस्त। अगर आज हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारी पीढ़ी को क्या असर होगा, क्या असर होगा? मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ इतने पसीने में वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्त, इस पर आप विचार करो, विचार करना पड़ेगा आपको। अगर नहीं करोगे तो आप बहुत परेशान होगे, आने वाली पीढ़ियाँ क्या समझेंगी हमसे और आपसे, हमसे और आपसे उन्हें बहुत कुछ सिखाना है। एक कृष्ण भगवान जो बचपन में ही जिस दिन पैदा हुए उसी दिन माँ बाप का साथ छूट गया उनसे, फिर संघर्षों का जीवन ही चला है पूरा, रोज के रोज कोई ना कोई उन्हें मारने आता। दोस्त उनके संघर्ष को देखो और इतना मेहनत करो कि आगे बढ़ो, ना कि उनके थोड़े से जो भी कर्म हैं वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें नहीं समझ में आएंगे, जब पढ़ोगे उसे तब समझ में आएंगे क्या कर्म थे, क्या कैसे थे। तो इस पे विशेष ध्यान दो, वो भगवान है, हम इंसान हैं, हम इंसान की तरह अच्छा काम करेंगे। और हम लास्ट अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू में अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो, खर्चा करते हो, अगर उसे आप किसी गरीब व्यक्ति को, किसी गरीब बच्चे को 1 दिन का कपड़ा, 1 दिन का रोटी अगर आप दे देते हो तो वो आपको बहुत आशीर्वाद देगा, आपको वो भगवान मानेगा। तो दोस्त आपसे गुजारिश करते हैं कि इस पे विशेष ध्यान दो, और इसी बात पे हम अपने बाली को विराम देते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को देखना। दोस्त अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।